In previous class, we have discussed about basis of classification. Okay, now our new topic, classification of animals. The broad classification of animalia based on common fundamental features as mentioned in this figure. Look at figure. Okay, this figure shows classification of kingdom animalia based on common fundamental features, characteristics. ठीक है, level of organization. Firstly जो है हम यहाँ level of organization है cellular level organization, जिस भी phylum में है only one phylum include, उसमें है polyphera. Polyphera साइकोन उसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो है पार्ट में हम आपको फाइलम पॉलीफेरा और अदर फाइलम्स के बारे में इन डिटेल स्टडी कराएंगे. टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है जिन एनिमल्स में मिलता है वो किस फाइलम में इंक्लूड है, यहाँ पर ये फाइलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्रेटिहेलमिंथिस, एसेट्रा. रेट, बट इससे पहले हम सिमेट्री की बात करते हैं. रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड टू फाइलम जो है एनिमेलिया में है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. दे पॉसेस रेडियल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री में जो फाइलम आते हैं यानी कि उन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री मिलती है. बायलैटरल सिमेट्री के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जब मिड में से डिवाइड किया जाए उसकी बॉडी को, एनिमल बॉडी को, तो उसके लेफ्ट और राइट जो है पार्ट जो है प्रॉपर डिवाइड हो जाए तो दोज एनिमल आर बायलैटरल सिमेट्रिकल. ओके, उनमें भी यदि सिलोम का भी पोजीशन देखना है टाइप कि उनमें सिलोम प्रेजेंट है या नहीं है, तो बॉडी टू हाफ्स में डिवाइड हो रही है बट उसमें सिलोम किस टाइप की, किस टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट. विदाउट बॉडी कैविटी है तो वो फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज हैं जो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं. यदि उनमें फॉल्स सिलोम है यानी कि सिलोम जो है कैसी नहीं है, ट्रू नहीं है, वो मीजोडर्म से क्या नहीं है, लाइन नहीं है. व्हाट इज सिलोम? सिलोम पहले ही आपको बता चुके हैं, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच जो कैविटी होती है उसे हम सिलोम कहते हैं. यदि वो सिलोम मीजोडर्म से लाइन नहीं है दैट इज स्यूडो सिलोम and animals known as pseudosilomates. So which phylum included? Aschelhelminthes. Means Aschelhelminthes phylum ke jo members hain usme pseudosilom present hoti hai. Okay, now true silom present jinme hoti hai wo animals silomates jo hain kehlate hain. In the animals mein जो फाइलम इंक्लूड है सिलोसिलोमेट्स जो है उन कौन कौन से फाइलम के मेंबर है उसमें, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्निकोडेटा एंड कॉडेटा. सो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है एनिमेलिया का जिसमें हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स को लेकर क्लासिफाई किया. बट नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे उसमें फाइलम के अकॉर्डिंग आपको उनके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे और साथ में उनके एग्जाम्पल्स को भी शो करें. फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इज पॉलीफेरा. सब आज जो है हम जिस फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉलीफेरा. एक्चुअली में पॉलीफेरा वर्ड जो है ये जो उसका नेम है वो पोरस, पॉरी मीन्स पोरस, फेरे मीन्स
जिनके भी टू बियर ओके, तो जिनमें जिन एनिमल्स में पोर्स प्रेजेंट हैं वो जनरली मल्टी सेल्यूलर तो हैं, पर वो किस फाइलम में इंक्लूड है? पॉरीफेरा। लुक एट पिक्चर्स, फर्स्ट पिक्चर साइकॉन की शो हो रही है, सेकंड पिक्चर यू स्पॉन्जिया की, थर्ड पिक्चर स्पॉन्जिला। ये एनिमल्स हैं और ये जनरली मैराइन होते हैं, यानी समुद्रों में ये मिलते हैं, और आप उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये एनिमल है बेटा। क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्ज जैसे हैं, और ऐसा आपको उसमें कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं दिखेगा या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं दिखेंगी कि आपको ये लगे कि एनिमल है, बट दे आर एनिमल बिकॉज उनमें लिविंग बींग्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने लेसन फर्स्ट में आपको बताए थे। ये ग्रो करते हैं, ठीक है, सेल्युलर बॉडी है, सेल्स से मिलकर बने हैं, फिर ये साथ में इनमें जो है वाटर जब आता है तो उससे वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ले लेते हैं, और जो वाटर जब इसमें इनमें से रिलीज भी होता है तो उसमें एक्सक्रिएट जो भी है एक्सक्रीट कर देते हैं कुछ गैसेस या सम केमिकल्स। सो ग्रो कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सक्रीशन हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे फीचर सेल्युलर बॉडी है। सो इसमें इंक्लूड है ये एनिमल। सो फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम इज पॉरीफेरा। करेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ आपको कुछ बताए गए हैं हम आपको, इसे आपको अपनी कॉपी में यदि आप नोट्स बनाते हैं सिर्फ तो पॉइंट में इसे लिख सकते हैं, आपको आसानी होगी लिखने में भी और याद करने। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, इनको जनरली स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। तो पहले हम बता चुके थे असिमेट्रिकल एनिमल्स में एक ही फाइलम इंक्लूड है यहाँ पे एनिमल में, वो कौन सा है? पॉरीफेरा। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, बहुत ही पहले सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में आते हैं ये, एंड हैज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी जो है इनकी सेल्स से मिलकर बनी, इसमें टिश्यू जो है अभी फॉर्म नहीं हुई। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, मेन जो है इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर आता है वो है कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। तो प्रेजेंस ऑफ जो कैनाल सिस्टम है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, और ये इसका यूनिक फीचर, इस फाइलम का यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। सो वाटर जो कैनाल सिस्टम है उसमें क्या होता है, वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया से बॉडी वॉल में और सेंट्रल कैविटी में आ जाता है। आपको मैं इसको फिगर से भी बता दें, जैसे इसकी बॉडी इस तरह की यदि है, मानो वैसा जैसी कोई बॉडी है, तो ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं बॉडी में उससे तो वाटर एंटर करता है, और ये बीच में जो मिड में एक कैविटी सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्ज सी, बिकॉज स्पॉन्ज ये कहते हैं और इस तरह की कैविटीज में है तो इसको स्पॉन्ज सी, और एक जो है ब्रॉड जो है इससे वाटर ब्रॉड पोर है यहाँ पर जिससे वाटर क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। तो एंटर स्मॉल पोर से कर रहा है और स्पॉन्जो सील में एंटर हो जाता है, और आफ्टर जो इनके सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं इसी में स्पॉन्जो सील में होते हैं, और जब जो इनको एक्सक्रीट करना होता है वाटर जो बाहर निकालना होता है तो थ्रू ऑस्कुलम। तो ब्रॉड पोर्स नोन एज ऑस्कुलम एंड टाइनी पोर्स जो है उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा की बात चल रही है, पॉरीफेरा में वो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जिनकी बॉडी जो है कैसी होती है, पोरस होती है, जनरली दे आर मैराइन बॉडी में ये स्मॉल पोर्स हैं। आपको ये फिगर भी हमने आपको बता दिया
तो वाटर जो है इसमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, तो यूनिक सिस्टम प्रेजेंट है, कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स इसमें पोर्स के थ्रू होता है, माइन्यूट या टाइनी पोर्स, दैट इज ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल, इन टू अ सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसी, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और बाहर किससे निकलता है, ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये ऑस्कुलम। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. तो इस तरह से ये सारे जो फंक्शन है लिविंग बींग के हैं, सो ये लिविंग बींग है। और किस फाइलम में इंक्लूड है, पॉलीफेरा, विच किंगडम, एनिमेलिया, वाई, बिकॉज सेल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, इफ सेल वॉल होती तो मे बी दे आर प्लांट्स, बट दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, सो दे इंक्लूडेड इन एनिमल। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम में ये इंक्लूड हो गए, सो दे आर एनिमल्स। काइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो है, इनकी सेल्स जो होती है ये, जिनको हम काइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं, वो स्पॉन्जोसील को क्या करती है, लाइन करती है, यानी अंदर की तरफ यहां पर इस तरह की सेल सिचुएटेड होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, काइनोसाइट्स। ओके, कॉलर सेल जनरल है। एंड द कैनाल्स, तो इनमें जो कॉलर सेल प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील की लाइन्स बनाती है, कैनाल की लाइनिंग करती है, डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर इनमें डाइजेशन होता है। द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, जो बॉडी है उसमें जो स्केलेटन है वो किसका बना है, स्पॉन्जी फाइबर और स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पर इसमें स्केलेटन जो कहेंगे वो क्या है, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है और इसको एक शेप दे रहा है, इसकी वजह से जो है इसे हम स्केलेटन कहते हैं। और ये मेड बाय किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है आप बता सकते हैं, स्पॉन्जोसील्स, कैनाल्स, ये सब चीजें हैं, तो ये स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जीन फाइबर से बना हुआ है जो इसका स्केलेटन, जिससे इसको एक शेप मिलता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स इसमें मेल और फीमेल ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं है, एक ही ये जो है एनिमल के अंदर ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, सो हर्मोफ्रोडाइट जो है ये टर्म यूज की जाती है। जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है, हर्मोफ्रोडाइट। ओके, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, यहाँ पे एग और स्पर्म्स को एक इंडिविजुअल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मेल फीमेल का इस तरह से कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, एक ही के अंदर ये दोनों इनमें सेक्सेस प्रेजेंट है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यदि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो मोड ऑफ जो है मेथड, मोड ऑफ क्या है इसका, रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। और यदि ये सेक्सुअली करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तब फिर ये क्या बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी इनमें दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनल होगा, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड इन बॉडी, बॉडी के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी यदि फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो
इंटरनल होंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आउटर ऑफ बॉडी होंगे यानी बॉडी के बाहर यदि जो है फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो क्या कहलाएगा एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में वो है इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स जो एग से यंगस जो भी बनते हैं वो डायरेक्ट बिल्कुल उसी जो है शेप साइज में नहीं आ जाते हैं जैसे इनके पेरेंट्स होते हैं, बीच में कुछ लार्वल स्टेज आती है और उसमें फिर कुछ चेंजेस आते हैं, देन वो जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म इनके बनते हैं। सो इनडायरेक्ट में क्या है डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट, एग से डायरेक्ट जो है इसमें एनिमल नहीं बन जाता है, बीच में कौन सी स्टेजेस आती है लार्वा विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो उसके एडल्ट से बिल्कुल अलग होता है। तो एज लाइक एडल्ट नहीं हो जाता, एग से डायरेक्ट डेवलप होकर एडल्ट लाइक नहीं होगा, उसका जो है क्या होगा दिखने में वो डिफरेंट होगा अपने एडल्ट से। तो इस तरह से मिड में जो स्टेज आती है दैट इज लार्वल स्टेजेस एंड दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो अभी हमने आज एक फाइलम, फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया पॉरीफेरा के बारे में आपको बताया है। आप इसे अच्छे से अपने बुक से भी रीड कीजिए और इनको पॉइंट वाइज याद कीजिए। इसमें कुछ वर्ड्स जो आपको यहाँ पे यूज हुए हैं उन्हें थोड़ा सा बार बार जो है रिवाइज करेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने जो है सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, कुछ न्यू टर्म्स आपको इसमें इंट्रोड्यूस होगी, पर जब आप इसको बार बार लर्न करेंगे रीड करेंगे तो ये टर्म्स भी आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, गुड बाय।